कहानी का शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। यह कहानी यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। आज हम चर्चा करेंगे महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और इस कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कहानी के सारांश की तरफ। एक नगर में एक सेठ रहते थे। वे बहुत विनम्र, उदार और दानी इतने कि दीन दुखियों को अपना धन बांटते रहते थे। परंतु किस्मत ने पलटी खाई, वे इतने निर्धन हो गए कि खाने के लाले पड़ने लगे। उन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा प्रचलित थी, तो सेठ जी ने अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी के कहने पर यज्ञ बेचने का निर्णय लिया और कुंदनपुर के धन्ना सेठ के पास जाने का निश्चय किया। सेठानी जी ने रास्ते के लिए 4 रोटियां बनाकर रख दी। सेठ जी बड़े तर के निकले। वे चलते चलते थक जाने के बाद एक कुंज में, जिसमें कुआं और पेड़ों की छाया थी, वहीं आराम करने के लिए बैठ गए और उन्हें भूख सताने लगी। जब वे खाने बैठे तो देखा कि एक कुत्ता भूख से छटपटा रहा है। उन्होंने उसे अपनी 4 रोटियां खिला दी और स्वयं भूखे रहकर भी संतुष्टि प्राप्त की। शाम को सेठ जी जब धन्ना सेठ के घर पहुँचे तो सेठानी जी ने समझाया, जो धन्ना सेठ की पत्नी थी, कि कुत्ते को सारी रोटियां खिलाकर रास्ते में जो आपने महायज्ञ किया है वह सिर्फ वही खरीदेंगी। परंतु सेठ जी को इस कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा और वे खाली हाथ अपने घर लौट आए। पहले तो सेठानी जी घबराई, परंतु सारा वृतांत सुनकर अपने पति पर उन्होंने गर्व महसूस किया। शाम के समय जब सेठानी दिया जलाने बाहर आई तो दहलीज का पत्थर उठा हुआ था, जिससे उन्होंने ठोकर खाई थी। देखा तो तहखाने का रास्ता है। सीढ़ियों के माध्यम से जब सेठ और सेठानी नीचे उतरे तो तहखाना हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा था। देव की इस माया का रहस्य जान पाते कि उन्होंने दिव्य वाणी सुनी और यह दिव्य वाणी सुनकर वे कृत्य कृत्य हो गए। यह कुत्ते को रोटियां खिलाकर किए गए महायज्ञ का पुरस्कार था। उन्होंने धरती पर अपना माथा टेक कर ईश्वर के चरणों में प्रणाम किया। तो यह थी आपकी महायज्ञ पुरस्कार कहानी। अब आपको कहानी के उद्देश्य की ओर ले चलते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। निस्वार्थ भाव और सच्ची कर्तव्य निष्ठा से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जीव मात्र के प्रति दया के भाव, परोपकार की भावना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस कहानी में सेठ जी ने भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाना ही अपना परम कर्तव्य समझा। इसमें ना तो कोई दिखावा और ना कोई स्वार्थ था। इस कर्तव्य का मूल लेना तो वे पाप समझते थे। अतः महायज्ञ वह नहीं जो इंसान सिर्फ दिखावे के तौर पर हवन, पूजा पाठ आदि करता है। वस्तुतः महायज्ञ वह होता है जो दुखियों के दुख को दूर करे, जो भूखों को भोजन कराए। अब आपको ले चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। वो है शीर्षक की सार्थकता। इस कहानी का शीर्षक कहाँ तक सटीक है ये जानते हैं। तो इस कहानी में महायज्ञ का असली अर्थ समझाना ही लेखक का उद्देश्य है। परोपकार, निस्वार्थ त्याग, दया के गुण ही महान गुण होते हैं। सेठ जी की दया भावना ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने की ओर प्रेरित किया। संपूर्ण कहानी इसी सत्कर्म की चर्चा के चारों तरफ घूमती नजर आती है। अतः कहानी के अंत में भी अच्छे कर्म का फल भी मिला है, यानी कि यह बताया गया है कहानी के अंत में कि अच्छे कर्म का फल भी उत्तम होता है। इस तरह इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल सटीक, सार्थक एवं उचित है। अब चलते हैं इस कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण की तरफ। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं धनी सेठ और उनकी पत्नी सेठानी, धन्ना सेठ और उनकी पत्नी सेठानी। तो अब धनी सेठ, वे अत्यंत विनम्र, उदार, धर्म परायण, दानी इतने कि उनके द्वार पर कोई आता तो खाली हाथ न जाता। वे कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। निर्धनता आने पर भी अपने कर्तव्य से वे विमुख नहीं हुए। दयालु इतने कि स्वयं भूखे रहकर अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी। उनमें निस्वार्थ भावना
कूट कूट कर भरे थे। अब आते हैं सेठ की पत्नी सेठानी की ओर। सेठ जी की पत्नी अत्यंत बुद्धिमती स्त्री है। वह पति की परेशानी में उसका साथ देती है। वह धैर्य व सहनशील होते हुए भी विपत्ति से घबरा कर अपने पति को यज्ञ बेचने की सलाह देती है। उनके हृदय में पति के प्रति सम्मान व आदर के भाव हैं। अब आते हैं धन्ना सेठ की पत्नी, जो कि कुंदनपुर नगर के सेठ की पत्नी थी। वे अत्यंत विदुषी, उनके बारे में अब बात ही, उन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वे तीनों लोकों की बात जान लेती है। इसी शक्ति के बल पर उन्हें सेठ जी के त्याग की महिमा का ज्ञान होता है। उनके अनुसार निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ होता है। धन्यवाद।